EFI और कार्बोरेटर इन दोनों फ्यूल डिलीवरी सिस्टम में से कौन सा फ्यूल सिस्टम ज्यादा अच्छा है, क्या इनकी अच्छाइयां हैं और क्या इनकी बुराइयां हैं। दोस्तों मैं हूं शुभम और आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपसे इन दोनों के बारे में डिटेल में बात करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में अगर कुछ कंफ्यूजन है इन दोनों को लेकर, इन दोनों में से कौन सा फ्यूल सिस्टम ज्यादा अच्छा है, दोनों में से कौन से फ्यूल सिस्टम की बाइक खरीदनी चाहिए, तो आप आज की मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही फ्यूल डिलीवरी सिस्टम किस तरह से वर्क करते हैं। दोनों यानी कि कार्बोरेटर और EFI, EFI का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ये दोनों किस तरह से वर्क करते हैं। इन दोनों फ्यूल डिलीवरी सिस्टम का वर्क है आपकी बाइक के इंजन तक प्रॉपर एयर और फ्यूल का रेशियो भेजना, जिससे कि बाइक के इंजन के अंदर जो कंबक्शन हो वो प्रॉपर हो। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कार्बोरेटर के बारे में। कार्बोरेटर एक मैकेनिकल पार्ट है और इस टेक्नोलॉजी का यूज लगभग पिछले 100 साल से भी ज्यादा समय से हो रहा है, यानी कि एक पूरी सेंचुरी निकल गई है और इस टेक्नोलॉजी का अभी तक यूज हो रहा है, अभी भी ये चल रही है, बंद नहीं हुई है। और वहीं इसके कंपैरिजन में पिछले लगभग 10 साल से एक नई टेक्नोलॉजी का यूज होना स्टार्ट हुआ है और वो टेक्नोलॉजी है EFI की। EFI टेक्नोलॉजी दोस्तों तीन तरह की है, यानी कि तीन तरह के फ्यूल डिलीवरी सिस्टम आपको EFI में मिल जाते हैं। तीनों का वर्किंग अलग है। एक है आपका थ्रॉटल बॉडी इग्निशन सिस्टम, दूसरा है पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और तीसरा है डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन। कार्बोरेटर आपने कॉमनली देखा होगा, काफी बाइक्स में देखने पे आपको मिल जाता है, कुछ इस तरह का दिखने में होता है। इसमें एक पेच बना होता है जिस स्क्रू का आप ढीला या फिर टाइट करके उसको ट्यून कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए तो उस हिसाब से आपको उसे अलग ट्यून करना होगा, ज्यादा आपको माइलेज चाहिए तो उसके हिसाब से उसे अलग से ट्यून करना होगा। उसके अंदर सिर्फ एक पेच होता है, उसी का सारा वर्क है। ये एक मैकेनिकल पार्ट है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो इसमें किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का यूज नहीं होता है। वहीं EFI में आपको एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलती है कि इसके अंदर काफी सारे इलेक्ट्रिक सेंसर्स दिए गए हैं। ये अटैच होता है डायरेक्ट आपके बाइक के ECU से, यानी कि जितनी भी कैलकुलेशन ऑप्टिमाइजेशन करता है उसे सेंड करता है ECU पे, फिर ECU से इसके पास कमांड आती है और तभी एक प्रॉपर एयर और फ्यूल का रेशियो भेजता है बाइक के कंबक्शन चैम्बर में। अब ज्यादातर इंजन में कॉमनली यूज हो रहा है और पॉपुलर भी है पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन और डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन। डायरेक्ट इग्निशन का आप देख सकते हैं किसी भी गाड़ी के डीजल इंजन में, वहां आपको जो इग्निशन मिलेगा डायरेक्ट है, डायरेक्ट आपके इंजन पर स्प्रे होती है डीजल की, तो वो डायरेक्ट इग्निशन है। और इसके अलावा पोर्ट फ्यूल इग्निशन टेक्नोलॉजी है, इसका फ्यूल इग्निशन बिल्कुल अलग है, प्रॉपरली वर्क करता है सेंसर पे और इसकी ऑप्टिमाइजेशन और वर्किंग ज्यादा अच्छी है बाकी के दोनों फ्यूल इग्निशन सिस्टम से, और प्रॉपर इसमें कंबक्शन होता है तो कोई रेजिडुअल इसके इंजन में नहीं बचता है। अभी तक दोस्तों मैंने काफी बात की EFI और कार्बोरेटर फ्यूल इग्निशन सिस्टम के बारे में। इन दोनों में से ज्यादा अच्छी वर्किंग अभी हमें मिलती है नई टेक्नोलॉजी यानी कि EFI में। EFI के अंदर भी आपको पोर्ट फ्यूल इग्निशन सिस्टम है और डायरेक्ट फ्यूल इग्निशन सिस्टम है जो ज्यादा अच्छा वर्क करते हैं। तो बात करते हैं EFI और कार्बोरेटर के प्रोस और कॉन्स की, यानी कि इनकी अच्छाइयां और बुराइयों के बारे में, कौन से की क्या अच्छाइयां हैं और कौन से की क्या बुराइयां हैं। तो EFI की अगर बात करते हैं तो इसमें हमें ज्यादा पावर मिलती है। आप अगर किसी बाइक के इंजन में देखें तो आपको लगभग 1 से 2 PS की पावर ज्यादा मिलेगी कंपैरिजन में नॉर्मल कार्बोरेटर के, और जिस इंजन में EFI लगाता है उसकी वाइब्रेशन कम होती है कंपैरिजन में कार्बोरेटर के, यानी कि कार्बोरेटर से कम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा सभी वेदर कंडीशन में प्रॉपरली वर्क करता है, यानी कि अगर रेनी सीजन है, विंटर है या फिर समर है, ये किसी भी सीजन में ज्यादा अच्छा वर्क करता है कंपैरिजन में कार्बोरेटर के, क्योंकि कार्बोरेटर के केस में देखा गया वेदर क्लाइमेट कंडीशन अगर अच्छी नहीं है, जैसे कि ज्यादा ठंड हो गई है या ज्यादा बारिश होती है, तो उस समय पर कार्बोरेटर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, उसको एक प्रॉपर ट्यूनिंग चाहिए उस तरह के क्लाइमेट के लिए। तो यहाँ पर एक प्लस फीचर है EFI किसी भी वेदर के लिए फिट है। और इसी के अलावा EFI में आपको ज्यादा अच्छा माइलेज मिल जाता है कंपैरिजन में कार्बोरेटर के। EFI का इमिशन यानी कि जो धुआं निकलता है उसका लेवल कम होता है कंपैरिजन में कार्बोरेटर के, कार्बोरेटर में इसके कंपैरिजन में ज्यादा धुआं निकलता है। इम्पोर्टेंट फीचर है EFI का कि इसमें कभी भी फ्यूल ओवर नहीं होता है, जैसे कि आपने देखा है कार्बोरेटर में अगर फ्यूल का लेवल या फिर एयर का लेवल ज्यादा हो जाता है, बाइक आप खड़ी कर देते हैं काफी समय तो उसका ऑयल ड्रेन हो जाता है, यानी कि नीचे निकल जाता है पाइप से, तो ये केसेस देखा गया है ओवरफ्लो का, यानी कि ओवर होने का जो केस होता है वो आपके कार्बोरेटर में होता है, EFI में ऐसा कोई केस नहीं आता है। तो दोस्तों ये तो थी इसकी अच्छाइयां कंपैरिजन में कार्बोरेटर के। वहीं इसमें कुछ कमियां भी हैं कार्बोरेटर के कंपैरिजन में, जैसा कि ये थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा आपको कार्बोरेटर के कंपैरिजन में। तो किसी भी बाइक के वेरिएंट में आप देख सकते हैं जहां EFI और कार्बोरेटर का आपको ऑप्शन मिलता है, तो कार्बोरेटर का प्राइस
लगभग 3 से 4 हजार रूपए सस्ता होता है कंपैरिजन में ईएफआई के। ईएफआई की एक और बड़ी डिसएडवांटेज है, इसको आप कहीं भी रिपेयर नहीं करा सकते क्योंकि इसके अंदर काफी सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स लगे होते हैं, यानी कि सेंसर लगे हुए हैं। इसके लिए एक एडवांस स्किल टेक्नीशियन आपको या मैकेनिक आपको चाहिए, उसको कोई छोटा मैकेनिक या फिर कार्बोरेटर वाला मैकेनिक नहीं रिपेयर कर सकता है। तो ये एक बड़ी डिसएडवांटेज है ईएफआई के लिए। तो ये इन दोनों के मेन प्रोज और कॉन्स हैं। तो ज्यादा अच्छी मेरे हिसाब से ईएफआई है। तो कभी भी अगर ऐसा ऑप्शन मिलता है कि आप ईएफआई लेना पसंद करते हैं या फिर कार्बोरेटर, तो आप प्राइस मत देखिएगा, मैं तो कहूंगा कि आप ईएफआई लीजिए, ईएफआई बेस्ट है कंपैरिजन में कार्बोरेटर के। तो अभी तक दोस्तों काफी बात की मैंने आपसे इन दोनों फ्यूल डिलीवरी सिस्टम के बारे में। अभी भी आपके दिमाग में अगर कुछ और सवाल है या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप सीधा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।